नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। प्रयागराज में गंगा किनारे रेत में दबे शव एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं। शवों को रेत में अभी भी दफनाया जा रहा है। फाफा मऊ घाट से आई यह तस्वीर बेहद डरावनी है, जो कोरोना काल की याद दिला रही है। यहां शवों को दफनाने की परंपरा काफी पुरानी है। एनजीटी और जिला प्रशासन ने यहां पर शवों को दफनाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद भी परंपरा के नाम पर जिस तरह से शवों को यहां दफनाया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। इस मामले में प्रयागराज के मेयर का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शवों को रेत में ना दफनाएं, फिर भी अगर ऐसा होता है तो शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम कराएगा। दरअसल मानसून आने में अब कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनके गंगा में समाने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रभावित होंगी, बल्कि इससे नदी का पानी भी प्रदूषित होगा। कोरोना काल में शवों को गंगा के किनारे रेत में दफनाए जाने के बाद नगर निगम ने रेत से बाहर निकले सैकड़ों शवों को निकालकर उनका दाह संस्कार कराया था, मगर अब यहां पर शवों को दफनाने पर लगी रोक के बावजूद धड़ल्ले से शवों को दफनाया जा रहा है।